हाय एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ तीन ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो किसी भी फास्ट बॉलर को उसका पेस इंप्रूव करने में मदद करेगी, उसको इंजरी फ्री रखेगी। साथ ही इसमें आपका एक्शन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो हिप डोमिनेंट हो, नी डोमिनेंट हो, साइड ऑन हो, फ्रंट ऑन हो, सेमी साइड ऑन हो, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइजेज है। तो रिगार्डलेस ऑफ योर एक्शन, ये सारे जो बॉलिंग जो मैं आपको आज तीन एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, मेरी पर्सनल भी फेवरेट है और आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इन तीनों एक्सरसाइज को आप अपने रेगुलर शेड्यूल में ज़रूर इसको इंक्लूड करें और ये आपको ज़रूर बेनिफिट करेगी। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, इसके अंदर जो मसल हम टारगेट करेंगे वो है क्वाड्रेटस लंबोरम। अब ये मसल मैं आपको सिंपल और उसमें बताऊँ तो जो हमारे साइड्स होती है उसके अंदर होती है, उसके डीप मसल्स होती है साइड्स के अंदर। जब भी कोई फास्ट बॉलर होता है वो भाग कर आता है तो आपका जो ये मूवमेंट है हमारा ऊपर से नीचे, अगर साइड से मैं दिखाऊं तो आप जब एक्शन लेते हैं यहाँ से आपका हाथ ऊपर जाता है एंड आप इसको नीचे पुल करते हैं, तो जो मसल आपका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, डीपेस्ट जो मसल होता है वो आपका क्वाड्रेटस लंबोरम होता है, तो उसको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली एक्सरसाइज जो है बहुत स्पेसिफिक है, आपको डंबल लेना है एंड आपको आपका जो बॉलिंग स्टांस है उससे थोड़ा सा नैरो रहेंगे, जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जितना स्ट्राइड है उतना नहीं खोलना, हल्का शोल्डर से थोड़ा बाहर रहेंगे आपके लेग्स। यहाँ से आपका जो आर्म है, जो फ्रंट आर्म है वो पीछे जाएगा एंड यहाँ से इसको आप नीचे लेके जाएंगे एंड यहाँ से आप इसको पुल करेंगे। सो इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको आपकी लोअर बैक की इंजरी से बचा के रखेगा। साथ ही आपको जो एक पावर चाहिए होती है क्रीज पर साइड को ऊपर से नीचे जब पुल करते हैं हाथ को, उसके अंदर बहुत बेनिफिट करेगा। ध्यान है इस एक्सरसाइज को आपको दोनों साइड करना है, ये नहीं कि अगर आप राइट आर्म बोल रहे हो तो आप खाली एक ही साइड करेंगे, दोनों साइड इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे जिससे कि आपका जो मसल इंबैलेंस ना हो, आपके जो मसल में प्रॉपर दोनों तरफ स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। कई बार हम एक ही तरफ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो अपोजिट साइड या दूसरी साइड का मसल होता है वो थोड़ा हमारा वीक रह जाता है और उससे क्या होता है मसल इंबैलेंस वो सब चीज़ें होने के खतरा रहता है। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे वो करेंगे हमारी जो हम जब बैक फुट के ऊपर आते हैं तो वहाँ से हमें बहुत तेज़ी से निकलना रहता है, तो उसके लिए जो हमारे टेंडन्स है, जो हमारे अपने जो लिगामेंट और जो हमारे टेंडन्स है उन सबको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको बताऊँ, स्टडीज़ हुई है, पाया गया कि अगर आप इस एक्सरसाइज के 25 रेप्स के अगर तीन सेट कर लेते हैं सिंगल लेग पे तो आपके जो लोअर बॉडी की इंजरी के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है, मैं बात कर रहा हूँ सिंगल लेग काफ रेजेस के बारे में। आपको किसी भी एक एलिवेटेड चीज़ के ऊपर आना है, आप अभी मैं प्लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको वॉल को आप एक हाथ से टच कर सकते हैं या फिर बिना उसके भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर आएंगे, ऊपर जाना है एंड यहाँ से आपको स्लोली नीचे आना है, तीन काउंट पे ऊपर जाएंगे, 1 2 3 काउंट पे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे 1 2 3 आएंगे, ऊपर जाएंगे 1 2 3, ऐसे आपको दोनों साइड करना है। अगर आप इस एक्सरसाइज के 25 रेप के तीन सेट कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आपकी जो लोअर बॉडी के जो चांसेस है इंजरी होने के बहुत कम हो जाएंगे और आपकी जो मसल की जो एकिलीस टेंडन है, हमारी जो सोलियस मसल है, गैस्ट्रोमिनियस मसल है, जो हमारी काफ मसल्स होती है जो हमें बहुत ज़रूरी रहती है जब हम बैक फुट के ऊपर लैंड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। अब तीसरी एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है उसके ऊपर चलते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो हमारी वॉकिंग लंजेस। अभी जनरली हम वॉकिंग लंजेस कैसे करते हैं, आपको जनरली लोग को मैंने देखा करते हैं वो सिंपली पैर को इस तरीके से लंज वॉक करते हैं। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा अपना जो रनिंग मोशन है, जो साइकिलिंग मोशन है, उस चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड करना है। वो हम कैसे करेंगे, जब हम लंज वॉक में जाएंगे एंड यहाँ से जो हमारा दूसरा आएगा हमें पूरा पैर ऊपर उठा के सामने लैंड करना है। अभी यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं आपको पूरा करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं आपको सामने से दिखाऊँ तो आपको पूरा पैर ऊपर उठाकर इस तरीके से रखना है और पूरा यहाँ से उठेगा पैर इस तरीके से आपको लंज वॉक। लंज वॉक में जो एक ज़रूरी ध्यान रखने वाली चीज़ है, जब आप अपना पैर को उठा के सामने लेके आएंगे तो ये आपका टो से ज़्यादा आगे ना जाए, ये आपका वहीं नीचे रहे इस तरीके से, फिर आप अगले स्टेप में जाएंगे। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको ज़रूर अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है। अभी लंज वॉक आपको कितनी करनी है, इसके आप अराउंड 20 मीटर के सेट्स लगा सकते हैं, 20 मीटर जाना और 20 मीटर आना, या फिर एक तरफ जाए और वहाँ पे रेस्ट करके थोड़ा फिर अगला सेट करें अपनी फिटनेस लेवल के हिसाब से।